आज भी गायब है मधुबाला की तरह दिखने वाली ये अभिनेत्री। एक डॉन के डर से छोड़ा था देश। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का आज 86वें जन्मदिन है। मधुबाला मात्र 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई। हालांकि इतने कम समय में उन्होंने काफी प्रसिद्धि हासिल की और उनको बॉलीवुड की मर्लिन मुनरो कहा जाता था। मधुबाला के जाने के बाद एक अभिनेत्री ने पर्दे पर उनकी याद को एक बार फिर ताज़ा किया था, लेकिन एक डॉन के डर से उन्हें रातों रात बॉलीवुड छोड़कर विदेश में जाकर बसना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह हीरोइन कौन है जो मधुबाला की तरह दिखती थी, तो आपको बता दें कि फिल्म वीराना में काम करने वाली जैस्मीन में मधुबाला की छवि दिखती थी। जैस्मीन ने 90 के दशक की हॉरर फिल्म वीराना में काम किया था। जैस्मीन के फिल्मों में आते ही उनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हो गए थे। ऐसे में एक डॉन भी उनका दीवाना हो गया और कहा जाता है कि जैस्मीन के पास अंडरवर्ल्ड से फोन आने लगे थे। अंडरवर्ल्ड डॉन उनसे गलत नियत से मिलना चाहते थे। एक प्रेस इस वजह से काफी परेशान रहने लगी थी और एक दिन उन्होंने देश छोड़ दिया। बताया जाता है कि इसके बाद जैस्मीन अमेरिका चली गई। सुनने में ये भी आया कि अमेरिका जाकर उन्होंने किसी से शादी कर ली। इसके बाद वे 1988 के बाद जॉर्डन में जाकर बस गई। 1979 में बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले जैस्मीन क्या करती थी और कहां रहती थी, इस बारे में भी ठीक से किसी को कुछ भी नहीं पता। फिल्म वीराना के लिए रामसे ब्रदर्स और ली डिक ट्रेस अलग चेहरा चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने सिर्फ दो फिल्मों में एक्टिंग का अनुभव रखने वाली जैस्मीन को कास्ट किया गया। उस समय पर यह फिल्म काफी हिट हुई थी और उस समय के मुकाबले फिल्म काफी हॉरर थी। फिल्म में जैस्मीन एक ऐसी लड़की के किरदार में हैं जिसमें नकिता की आत्मा आती है और वो लोगों को अपना शिकार बनाती है।